भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी शीर्ष टेक कंपनियों से भारत को विनिर्माण और नवाचार के लिए एक गंतव्य के रूप में तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, जो क्वाड देशों जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हैं, उनकी वार्षिक बैठक में भाग लेने के एक दिन के बाद हुई। भारत खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वैश्विक कंपनियों को उनकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए आकर्षित किया जा सके। सोमवार को हुई इस बैठक में गूगल के सुंदर पिचाई, एडोबी के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और एनवीडिया के जेनसन हुआंग सहित 15 सीईओ शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो भारत में सह विकास, सह डिज़ाइन और सह उत्पादन कर सकते हैं, जो वैश्विक स्तर पर काम आएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक में प्रौद्योगिकी के नवाचारों में उपयोग पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानव विकास को क्रांतिकारी रूप से बदलने की क्षमता है। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभारी हूं कि आप समय निकाल करके, इस ज़्यादा समय तो नहीं था लेकिन जितना समय मिला उसका मुझे भी लाभ मिला है और आपका आना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले साल जब मैं वाशिंगटन आया था तो मैंने टैग हैंडशेक एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था और उस समय भी आप ऐसे कुछ साथियों से मिलने का मौका मिला था। भारत में भी आप ऐसे कई भी साथियों से समय समय पर मुझे मिलने का अवसर मिला है। आज एक साल बाद मैं दुनिया के बड़े बड़े जो इनोवेटर्स हैं उनके बीच अपने आप को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप सबके बीच आज बैठा हूँ। मैं जो ऊर्जा देख रहा हूँ, जो उत्साह देख रहा हूँ और भारत के प्रति जो एक भरोसा देख रहा हूँ, ये वाकई हमें बहुत ही सुखद लगता है। क्योंकि जब आप जैसे एक्सपर्ट लोग कोई बात बताते हैं बदलती हुई दुनिया के विषय में और भारत की संभावनाओं के विषय में, तब भारत में भी एक नीति निर्धारण में हमारा विश्वास बढ़ जाता है। कुछ चीज़ों का सुझाव भी आपने दिया है, मेरी टीम ने सारी चीज़ों को नोट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दुनिया में काम करते हैं और आप जिन दुनिया को अच्छी तरह जानते हैं और जिसका भविष्य भी आपको अनुमानित है और तब आपके सुझाव आते हैं, वो सुझाव बड़े वैल्यूएबल होते हैं। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत अहम है और इसलिए मैं भले ही टाइम छोटा रहा होगा तो कम रहा होगा लेकिन उस महत्वपूर्ण बातों को बहुत तवज्जो देता हूँ, उसको बहुत बड़ा देता हूँ।